हेलो दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे पीकेएल 2024 की पॉइंट टेबल के बारे में। तो नंबर 12 पर जो टीम आती है उसका नाम है पटना पायरेट्स। पटना पायरेट्स की टीम ने एक मैच खेला है और एक हार के साथ वो पॉइंट टेबल में 0 अंकों के साथ 12वें स्थान पर है। नंबर 11 पर जो टीम आती है उसका नाम है हरियाणा स्टीलर्स। हरियाणा स्टीलर्स की टीम ने एक मैच खेला है और एक हार के साथ वो पॉइंट टेबल में 0 अंकों के साथ 11वें स्थान पर है। नंबर 10 पर जो टीम आती है उसका नाम है बेंगलुरु बुल्स। बेंगलुरु बुल्स की टीम ने 3 मैच खेले और 3 हार के साथ वो पॉइंट टेबल में 1 अंकों के साथ 10वें स्थान पर है। नंबर 9 पर जो टीम आती है उसका नाम है बंगाल वॉरियर्स। बंगाल वॉरियर्स की टीम ने एक मैच खेला है और एक हार के साथ वो पॉइंट टेबल में 1 अंकों के साथ 9वें स्थान पर है। नंबर 8 पर जो टीम आती है उसका नाम तेलुगु टाइटंस। तेलुगु टाइटंस ने 3 मैच खेले और 1 जीत और 2 हार के साथ वो पॉइंट टेबल में 5 अंकों के साथ 8वें स्थान पर है। नंबर 7 पर जो टीम आती है उसका नाम है यू मुंबई। यू मुंबई की टीम ने 2 मैच खेले और 1 जीत और 1 हार के साथ वो पॉइंट टेबल में 5 अंकों के साथ 7वें स्थान पर है। नंबर 6 पर जो टीम आती है उसका नाम है गुजरात जायंट्स। गुजरात जायंट्स की टीम ने 2 मैच खेले और 1 जीत और 1 हार के साथ वो पॉइंट टेबल में 6 अंकों के साथ 6वें स्थान पर है। नंबर 5 पर जो टीम आती है उसका नाम है दबंग दिल्ली। दबंग दिल्ली की टीम ने 2 मैच खेले और 1 जीत और 1 हार के साथ वो पॉइंट टेबल में 6 अंकों के साथ 5वें स्थान पर है। नंबर 4 पर जो टीम आती है उसका नाम है तमिल थलाइवास। तमिल थलाइवास की टीम ने 2 मैच खेले और 2 जीत के साथ वो पॉइंट टेबल में 10 अंकों के साथ 4वें स्थान पर है। नंबर 3 पर जो टीम आती है उसका नाम है यूपी योद्धा। यूपी योद्धा की टीम ने 2 मैच खेले और 2 जीत के साथ वो पॉइंट टेबल में 10 अंकों के साथ 3रे स्थान पर है। नंबर 2 पर जो टीम आती है उसका नाम है जयपुर पिंक पैंथर्स। जयपुर पिंक पैंथर्स की टीम ने 2 मैच खेले और 2 जीत के साथ वो पॉइंट टेबल में 10 अंकों के साथ 2रे स्थान पर है। नंबर 1 पर जो टीम आती है उसका नाम है पुनेरी पलटन। पुनेरी पलटन की टीम ने 3 मैच खेले और 2 जीत और 1 हार के साथ वो पॉइंट टेबल में 11 अंकों के साथ पहले स्थान पर है।